देखो माँ जी, आपने हमारी सारी शूटिंग रोक दी है, इस तरीके से तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अब आप ही कोई रास्ता बताओ। तुम्हें तो रास्ता बताने के चक्कर में जो है ना, ये बुड्ढा हमारे सारे रास्ते बंद कर देगा, तो पता ना कितना बिगड़ेला आयु। देखिए माँ जी, अब हमने इन्हें दादा के रोल में ले लिया है और थोड़ा सा सूट भी हो गया है, अब तो हमें इनसे दादा का रोल कराना ही पड़ेगा। देखता बीबी रामबती कपूर करवा ले रोल तो तू, कोई बात ना, पर बात है पहले मेरी 3 शर्त है, अगर उन शर्तन ने मानेगी तो मैं रोल करन दूंगी। शर्त काहे को वचन भरवा ले आपे? एक काम करता है, एक्टर बनने की टाल कर, बुढ़ापे में खेत में गेहूं सूख रहे हैं, उनमें पानी कर ले। हीरो अरे मजाक कर रहा हूँ मैं तो, मजाक तू तो तन तन सी बात पे छोड़ जा। चाचा यार, मजाक का भी कोई टाइम होता। चाची तुम्हारी साली तो लगी ना रही है, जिनासा तुम मजाक कर रहे हो। चाची की बात को बीच में काट के चाची का अपमान कर रहे हो तुम, ये अच्छी बात है तुम्हारी? देखो चाचा, साफ कह दे रहा हूँ तुमसे, अगर चाची के लिए तुमने गलत अल्फाज निकाले, गलत बयानबाजी करी, आज ही तुमसे दोस्ती तोड़ डालूंगा। चाची मेरी अम्मा समान है, बालक मानती है मुझे चाची अपना। और तुमसे सबसे कह रहा हूँ, अगर चाची के लिए गलत बोल दिया या चाची की बात नहीं मानी, गलत अल्फाज निकाला किसी ने भी, खून खराबा कर दूंगा ना। ऐ चाचा, तुम क्यों फालतू बोल रहे हो मेरे बाबर माँ के बीच में? लो चाची लो, अलहदा कर दिया मुझे तुम्हारे पोते ने, तुमसे अलग बतला दिया, परिवार का हिस्सा नहीं मान रहा है जाहिल। अरे यही लखन सिखाए मैंने तो, ना बैठे चुप, शर्म तो है ही ना कहीं बड़े छोटे की। माँ जी, अब आप अपनी शर्त बता दीजिए प्लीज। बीबी 3 शर्त है मेरी, एक यू पहली, हमारा ये बुड्ढा जो है ना, ये एक्टर निकल बैठ कर रोटी नहीं खाएगा। श्यामलाल जी, क्यों खाते हो आप इनके साथ खाना? अजी वो तो मैं आप मसदारी में वैसे ही बैठ के खा लगो तन। चाचा, कभी आपसदारी में हमारे संग बैठ के तो ना खाया इस तरह खाना, जैसा ही नौ के संग खा रहे तुम। कहा चल रोया के संग, वैसे ही करे करे बावली बात न करे। चाची बतला दियो जरा, क्या देखा तुमने? यू का अपना आप थोड़ी खा रहा है, यू खवारी या डोयन? देख लीजिए मैम, कितनी बदतमीजी से बोल रही है ये, दाहिन बोल रही है मुझे। अरे तू चुप लगा, चुप चुप निमटा देगी, बहुत बुरी है। रामबती जी, लुड्डो जोन थोड़ी गलतफहमी की शिकार है। दरअसल जब मैं अगल रोटी खा रहा हूँ ना कल, तो मेरी नाक में खुजा लग गया, तो मैंने उंगली जो ऐस कर दी, तो बाकी तुम खुद समझदार हो। पानी हो के मिलो ना, या हमारे में हाथ धो ना पायो, मेरी मदद कर रही हो। रेंडे बुड्ढे सुधर जा, तेरी सारी चाल जानू मैं। लुड्ढा तो इतना भी भरोसा ना यार बाबू। देख रहा बे आदमी, इस माहौल को देख के कहावत याद आ गई मुझको, कहते ना नुक इंसान मतलब के लिए गधे को बाप बना लेता। मैम थोड़ा जल्दी कराइए ना, ऐसे तो आज की शूटिंग का पूरा टाइम यूं ही निकल जाएगा। हाँ राठी जी, दादी जी आप अपनी दूसरी शर्त बताइए। कौन की बात है उरे को सुन, भाई जब बुढ़ा हो ना, या के उल्टे कॉमन की वजह तुम हर पोते का जो है ना ब्याह ना हो रहा, ये छिक गो। अब ये जो हीरोइन बननी है ना, या की बहू का रोल जो कर रही है यू हमारे पोते की, या के घर के इनते बात कर, बात चलाते मौन जावे ना, तो हमारे घर में कोई कमी ना हो कई चीज की। सुबह को जो है ना मैं दही भी लू ना, तो शेर भर पक्का लोनी घी निकले, मना के देखिए एक बार मन जावे तो। ठीक है माँ जी, मैं बात करती हूँ, अब आप अपनी तीसरी शर्त बता दो। मैंने सुनी है तेने हचके को करता धरता मारा ही बुढ़ा बना रखो कही है। हाँ जी मान जी, वो थोड़े है ना बुजुर्ग है, इसलिए बनाया है। तो बीबी मेरी तीसरी शर्त ये हुई है, कहीं हको करता धरता या की जी के खाली दे बना दे मैं। या बनाओ। लुड्ढा बाबू, इतनी बेरुखी क्यों दिखा रहे हो आप? देख ले तू तेरी राजी है ना, तो गेहूं में पानी कर, चल बता जल्दी। ना बाबू ना, तेरी बात सिर मौत है, हम तो तेरे राजी में राजी है। ठीक है तभी भी रामबती, तू बना अपने नाटक, मैं जा रही हूँ।
श्यामलाल जी, एक बात समझ में नहीं आई, आप इतने डरते क्यों हैं चाची से? अरे कहा बताऊं डायरेक्टर, यहाँ के जो ना आते बड्डे सात भैया, यू इकली है और उन सातन के जो पांच पांच छह छह लौंडा और उनके भी पांच पांच छह छह लौंडा ही है। तो जब भी हमारे घर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया ना तो यहाँ के पीहर तो चार पांच ट्रैक्टर भर के आवे। वैसे तो उनकी आपस में बड़े ना है और जब लड़ाई झगड़े में आवे तो सारे एक हो जा। अब यू लगा ले अगर एक एक भी मारो ना मेरे तो मुंह में ना बच रहा कुछ भी, तो यहाँ मारे डर ना पड़े। समझ गया श्यामलाल जी, आपका डर बिल्कुल सच्चा है, पर कोई बात नहीं है, जब इतनी जिंदगी आपने डर डर के गुजार ली तो अब बची कितनी है, इसको भी गुजार दो ऐसे ही। न्यू लगा ले भैया, हमारी गैल तो वाली बात हो रही है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी तो किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। चाची के लिए कह रहे हो? अरे इकलौती चाची को ही ना कह रहा मैं, मेरी गैल तो गद्दारी का और ने करी है, मेरे दोस्त खालिद ने, बात में बातन में घुमा दे तेरी चाची है तो। हाँ चाचा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बाहर तो लुड्डो बस बोल रही, शब्द तो सारे खालिद के है। अब क्या करोगे आप? ठीक टाइम को इंतजार, या खालिद की कमजोरी तो जानू हूँ मैं, लोहे गरम होंदे देख, ठीक टाइम देख कहता ना मारूंगा देख। अरे खालिद, यू डायरेक्ट तो चाचा से बहुत गुल मिल रहा हूँ। मैं तो इत्मीनान तो रख थोड़ी बहुत देर का ना, यहाँ पे देखिए तो मैं कितों की नौकरी खाऊंगा, इन्हें मैं घुलवाऊंगा मिलवाऊंगा, इकलिया आ जा तू। राम राम जी। राम राम जी। मैं नु पूछ रहा हूँ जी, जैसे शूटिंग के बाद में जी सब अपने हाथ मुंह धोक रहे हैं जी, तो तुम धोगी कोई ऐसे? हाँ इसमें क्या ऐसे भी धोते हैं, मैं भी धोंगी। ना मैं यहाँ मारे कह रहा हूँ जी, जैसे तुम कई दिन से शूटिंग कर रही हो यहाँ आज के, और तब मैंने जो है ना बिन मेकअप के ना देखी। मतलब मैं जो ना तुम्हारी असली शिकल देखना चाह रहा हूँ बिन मेकअप वाली, कैसी हो तुम असलियत में? नहीं वैसे तो देखे तुम फिल्टर सोई लगाए ढोलो, पता सीना लग रही ना कैसा कैसे। अरे मैम आप यहाँ पर बैठे हैं, आइए आपका मेकअप कर दूं। तो खालिद जी बताइए कैसे मैनेज करोगे आप? मैडम जी आपके संग में ना पे चल रहा धोखा, आपसे पैसे ऐठे जा रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हो? मैडम जी इधर देखिएगा जरा, अपनी एक्टनियों के ड्रामे। क्या देखूं, सब ठीक तो है। है मैडम जी, ये एक्टनियां मिलकर कर रही हैं तुम्हारे संग में साजिश, धूप ना बारिश छाते की गुजारिश। बात तो ठीक है आपकी, अब क्या करें? मैडम जी सबसे पहले तो इस हरामी को निकालो कान से जो छतरी को पकड़े खड़ा, इसने आज तक अपनी अम्मी के लिए छतरी ना पकड़ी होगी, और पता नहीं नेक्टनियों को किस चीज से बचा रहा है छतरी को लेकर। ठीक है हटा देंगे इसे, और कोई ऐतराज? एक ऐतराज मेरा ये है मैडम जी, मुझे जरा ये बतलाइए, आप जो नाटक बना रही हो टीवी के लिए, उस नाटक को जो जनानिया या आदमी जो देखते हैं वो मेकअप करके बैठते हैं क्या अपनी शिकल पे? नहीं ऐसा तो नहीं है, मेकअप करके तो कोई नहीं बैठता। जब मैडम जी मेकअप करके कोई नाटकों को देख नहीं रहा तो तुम्हारी ये एक्टनिया क्यों एक घंटा कूचियों को लेकर मुंह को पुतवा रही हैं? किस लिए मेकअप कर रही हैं? कहीं ब्याह में जा रही हैं? जाकू सर सबर के जाना ही ना को है, जैसी हो वैसी दिखो ना टीवी में, जैसा देश वैसा भेस। चलो मान ली मैंने आपकी बात, मुझे ठीक लग रही है बिल्कुल, अब कोई और दिक्कत? एक दिक्कत और क्या मैडम जी, फरमाइश है मेरी तो एक तुमसे, ये जो मेरा यार आदमी है इसको तुमने जो सिक्योरिटी गार्ड बना रखा, मैं ये चाह रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड का तो काम दे दो किसी और को, और इसको जो पड़ोसी के रोल में नाटक में करवाओ ना मेरे संग। ठीक है तो आप करा लीजिए, वैसे मुझे आपका तरीका बहुत अच्छा लगा, अब मुझे पूरा विश्वास है आप सब कुछ संभाल लोगे।